छतरपुर शहर के सहनाई गार्डन में सावन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गोबर और मंदिरों के फूल से सामग्री को बनाया गया है। आपको बता दें कि दिव्यता नेचुरल फाउंडेशन की ओर से इस मेले का आयोजन किया जाता है। श्रीमती भावना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनका उद्देश्य रहता है कि वह महिलाओं जो अपनी कलाओं से विभिन्न सामग्री को खुद से बनाती हैं, वह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सामग्री का उचित दामों में विक्रय कर सकें। इसको लेकर हर साल सावन का मेला लगाया जाता है, जिसमें हाथों से बनी तमाम सामग्री उपलब्ध होती है। ये मेला हर वर्ष की बात ही, हमने सावन मेला लगाया है। सावन का महीना चल रहा है, राखी का त्यौहार आने वाला है, तो जितनी भी महिलाएं शहर में अपना अपना घर से काम करती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म उनको दें। तो हम सब ने मिलकर 6 लोगों ने यहाँ पर एग्जीबिशन का और सेल का आयोजन किया है। इसमें अपना राखी, भगवान के वस्त्र, धूप बत्ती, ये सब सामान के साथ सूट, साड़ीज़ और जयपुर से अपना काफ़ी सामान आया है, ज्वेलरी वगैरह उन्होंने रखा है। बाकी आध्या समिति ने जो सारे मसाले और सारी चीज़ें बनाते हैं महिलाएं, वो सब सामान यहाँ पर उन्होंने रखा है। गिफ्ट की भी शॉप है और एक आर्ट थेरेपी में है, उन्होंने अपना सारा हैंड क्राफ्टेड सामान यहाँ पर लगाया है। और ये आयोजन 3 दिन तक चलने वाला है, 9, 10, 11। तो सबसे आग्रह है कि वो सब आएँ और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करें आकर विजिट करके। जब भी कोई चीज़ हम हाथ से बनाते हैं तो हमेशा उसके पीछे एक अलग भावना होती है कि वो बहुत रुच रुच के कोई भी चीज़ बनाई जाती है। जैसे कोई भी राखी बनाते हैं तो अपने जो बहन की भावना है वो भी साथ में जुड़ी हुई होती हैं। और बाकी हम लोग जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सबका मकसद है महिलाएँ जो हमारे साथ काम कर रही हैं उनको बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म देना। तो यही एक सबसे बड़ा मकसद है कि जो जो लोग अपने साथ काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा पाए। मेरा नाम प्रिया है और ये सावन मेला में मैं हर साल आती हूँ। यहाँ बहुत ही सुंदर राखियाँ, बैग, पापड़ और हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं यहाँ हर साल आती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इनका सारा कलेक्शन बहुत प्यारा है। बिल्कुल, आप सभी को आना चाहिए और सावन में राखी के त्यौहार से पहले तो ज़रूर ही आना चाहिए। आप आएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप भी खुश होकर जाएंगे मेरी तरह। ये जो कि आपको पता है सावन आने वाला है, सावन सभी बहनों का बड़ा प्रिय त्यौहार होता है और आप यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनका उत्साह देख रहे होंगे कि राखी का त्यौहार आने वाला है और सब अच्छी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और यहाँ बुंदेलखंड में हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन कला से भरी हुई हैं, उनके पास हुनर बहुत है, तो ऐसी बहनों को हमने पहचाना और वो अचार, बड़ी, पापड़, विभिन्न प्रकार के पापड़, मसाले, ये सारी चीज़ें, दलिया और हवन सामग्री, ये सब बनाई, रुई बाती बनाई, ये सब बनाती हैं। इसके साथ में गोबर से बने हुए उत्पाद भी बनाती हैं। ज्वेलरी है यहाँ, यहाँ पे राजस्थानी लहंगे हैं, राजस्थानी साड़ियाँ हैं, राजस्थानी ज्वेलरी है, ट्रेंड जो आजकल ट्रेंड में चल रही है ज्वेलरी, वो सब हैं, गिफ्ट हैं, बहुत सारा आइटम आपको एक ही छत के नीचे मिल रहा है। और इसी को हमने नाम दिया है सावन मेला और इसमें बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो खरीद रही हैं और जो हमारी बहनें हैं वो सामान बना के यहाँ पे लेके आई हैं। लोगों से यही कहूँगी कि ये 9, 10, 11 3 दिन हमारा ये मेला रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और इन ज़रूरतमंद बहनों का साथ दें। तनु बुंदेला, किस तरह से आपने स्टॉल लगाया? ये हमारा सारा जयपुरी मटेरियल है, सारी महिलाओं ने मिलकर एक मेला लगाया है, सावन मेला है। ये एक औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छा वो है, उनकी हाथ की बनी हुई चीज़ें भी हैं, बाहर की चीज़ें भी हैं, हमारा सारा जयपुरी मटेरियल है। इसमें जड़ाऊ ज्वेलरी भी है, बैंगल्स हैं, जड़ाऊ सेट हैं, पोशाकें हैं, राजपूती और लहंगे हैं, साड़ियाँ हैं, यही सारा मटेरियल है।